सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। एंड ये सेकंड ब्लॉग होने वाला है, ठीक है, यहाँ का। तो अभी जैसे मैं सुबह सुबह उठा ना, एक तो यार यहाँ पर मेरा जो स्लीप शेड्यूल है ना, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब पहले क्या था यार, मैं दिल्ली में रहता था, तीन चार पाँच बजे तक मैं जगा रहता था, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता मेरे से, चाहूँ मैं तो भी नहीं हो पाता मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ का क्या सीन है कि मैक्स टू मैक्स मैं एक बजे तक सो जाता हूँ, है ना। और एक बजे सोने के बाद मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, वैसे मैं 12 बजे ही सो जाता हूँ, लेकिन मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ कि मैं एक बजे तक सो जाता हूँ। और उसके बाद फिर मान के चलो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 या 6 बजे। आज मैं फिर भी थोड़ा लेट हो गया उठने में, ठीक है। आज मैं शायद 7 या 8 बजे के करीब उठा, लेकिन ठीक है। देखो तो फिर भी ये मेरे लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि दिल्ली में मैं 11, 12, 1 ऐसे उठता था, है ना। तो ये फिर भी मेरे लिए बहुत जल्दी है। और जैसे ही आज मैं उठा, पहली बात तो यार मौसम यहाँ का इतना अच्छा हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रही थी, और रात को यार इतनी तेज़ बिजली कड़की ना यहाँ पर, इतनी तेज़ कि भाई मैं सोते सोते डर गया था यार। मतलब बहुत गंदी वाली बिजली कड़की थी यार, बहुत गंदी वाली। देखो और यहाँ का मौसम दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये देखो भाई कितना सही मौसम हो रहा है। बादल देखो, हो सारी यहाँ पर जो फसलें वगैरह है, मतलब ये जो खेत वगैरह है, सारे गीले हो गए हैं, है ना। और यहाँ पर ये ऊपर से कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो ऊपर है ना पानी जमा हो जाता है, फिर नीचे गिरता है तो ये येल्लो सा हो जाता है, क्योंकि इसी का जो कलर है वो छूटता है, तो है ना। और बाकी इधर देखो, ये जो है एक दूसरी साइड है, तो यहाँ ऐसे ही है बस। ये किसी की ज़मीन है जहाँ पर घर बनना है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ बनाया नहीं। और उस तरफ घर है, और वो मेरा घर है, ठीक है, तो वो तो खैर बनना है, लेकिन अभी उसके है ना वो नहीं मिल रहे यार, कारीगर वगैरह नहीं मिल पा रहे, ठीक है, तो उसी के लिए थोड़ा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ईंट वगैरह तो आ चुकी है, वो भी दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में तुम्हें मैं, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो पाया। और बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी भी हल्की फुल्की तो बारिश हो ही रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हवा जो है, हवा इतनी नहीं चल रही, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार। अभी भी ऐसे यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सही बताओ, मतलब दिल्ली से तो लाख गुना अच्छा मौसम है यहाँ का। अब देखते हैं आगे। और वैसे लास्ट ब्लॉग में तो मैं बता चुका हूँ कि जो मेरा घर है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। ये देख रहे हो, ये वाले घर से जो इधर वाला घर है, वहां से लेके ये पूरा, ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा ऐसे जो जा रहा है ना, और जो ये खेत है, ठीक है, इसमें का आधा हिस्सा, हमारा घर इतना बड़ा है यार, समझ रहे हो, बहुत बड़ा है। अगर इसको बनाना चाहे तो मतलब पैसे तो यार इसमें बहुत लगेंगे और बहुत आलीशान घर बनेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ उतनी दूर में घर बनाना है जितनी दूर में एक्चुअल वो बना पड़ा है अभी भी, ठीक है, तो उतना इतना बड़ा बनाना नहीं है, है ना, बस उतनी दूर में बनाना है, क्योंकि वैसे ही हमारा आना जाना होगा नहीं। हम वैसे भी यार देखो, साल में एक आधा बार आ जाएंगे तो आ जाएंगे, और जब आएंगे ना, जब घर बन जाएगा, वैसे ज़्यादा नहीं, बस एक ही रूम बनना है, कि मतलब जब आए यहाँ पर तो किसी के घर पर रुकना ना पड़े, जैसे अभी रुके हुए हैं, उसी के लिए बस घर बन रहा है ना, कि जब भी आए तो भैया अपने रहने के लिए जगह हो, अपनी जगह हो मेन, है ना भाई, तो दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े, इन शॉर्ट वही है बस। तो बस देखते हैं कब तक काम शुरू होगा यार, जल्दी हो जाए बस। आज तो खैर बारिश हो गई, तो आज तो लग नहीं रहा कुछ होगा, तो कल होगा शायद शुरू जो है। तो अभी मैं निकल गया हूँ, एक जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर कल हमने लकड़ी कटवाई थी, मतलब एक पेड़ है वो कटवाया था। और ये देखो, ये है खरियाना, ठीक है, खरियाना बोलते हमारे में, वैसे तो मुझे स्टोर रूम बोल सकते हो एक, जो कि घर से काफ़ी दूर रहता है, लेकिन वो ठीक है, तो ये जो है वो हमारा खरियाना है ना, स्टोर रूम, जहाँ सामान वामान रखते हैं ऐसे ही बस, और कुछ नहीं। एंड इस तरफ भी काफ़ी घर वगैरह है, और जो पेड़ कटा है वो उस तरफ है, ये रहा वो पेड़ जो गिरा रखा है, हाँ, पूरे खेत में तो ये जो देख रहे हो ना वाइट वाइट, ये रुई है यार, ये देखो ये पूरा पेड़ है, टहनिया वहनिया सब इसकी अलग कर दी है, और देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है, पेड़ बोल दिया उन्हें, कितना बड़ा पेड़ है ये। ये देखो यहाँ पर है ना वो बोर्डिंग लगा रखा है, जो पानी पटता है ना हर जगह खेतों में ऐसे ही, भाई मैं बहुत पतली जगह पे चल रहा हूँ देखो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार खेत, है ना, आम, ये सारे आम के पेड़ लगे हुए, इसमें आम भी हो रखे हैं, अंदर से जाना पड़ेगा, लेकिन कीचड़ होगा बस यार, कीचड़ कीचड़ कीचड़, काफी नीचे से निकल के जाना पड़ रहा है भाई। एक तो यार बारिश हो गई है ना, तो कीचड़ बहुत हो गया, मैं मैन बस वाइड कर रहा हूँ भाई अब इस टाइम।
तो ये आ गया। ये एक आम का वैसे है, एक छोटा सा बगान कह सकते हो, जिसमें आम के पेड़ पेड़ लगे हुए हर जगह पे, ठीक है ना। तो ये वही है, तो ये देखो ये ना हाथ हटा लेता हूँ अपना। हाँ, ये जितने भी तुम्हें आम के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी दिख रहे हैं ना, सब हमारे हैं। वो वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, इधर का भी, उधर का भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब जितने भी आम के पेड़ दिख रहे हैं सब, मतलब। लेकिन ये जो है ये किसी और का है, ये हमारा नहीं है, है ना। हाँ, ये वाला देख रहे हो, ये वाला भी पूरा हमारा ही है। और यहाँ पर यार देखो फोटो कितनी अच्छी आएगी, बहुत अच्छी फोटो आएगी यार। यहाँ पर पूरा खुला खेत है। मैं कैमरा लाया नहीं, हमने कैमरा जो है ना मेरे मामा के घर पे रखा हुआ। कैमरा मैं गांव लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर यार सामान रखने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घर बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो घर बना हुआ है, वो कच्चा सा है, तो अंदर से तो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, वो घर भी तो कच्चा सा है, तो उसमें सामान रखूंगा नहीं यार मैं। और वो भी कैमरा यार इतना महंगा है, अगर खराब हो गया तो लग जाएंगे बढ़िया करके। देखो एक खेत तो ये है जो मम्मी ने बताया था मुझे, ठीक है, और एक शायद वो वाला भी है उस तरफ का भी है जो बताया था, ठीक है वो, लेकिन उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, उसे शायद गाछी बोलते हैं, गाछी है ना, बाग होता है ना छोटा सा एक, तो उस टाइप में उसे गाछी बोलते हैं। तो ये वो है, दिखाता हूँ तुम्हें एक सेकंड। ये देखो मैं पेड़ के बीच हूँ, मैं से आम के पेड़ के बीच। पता मैंने सोचा था यार कि जब मैं जाऊँगा तो शायद आम पक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे आम को पकने में। दिल्ली में तो आ चुके हैं हमारे आम, लेकिन यहाँ टाइम लगेगा अभी। और लीची वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, वो भी कच्चे कच्चे अभी। तो ये देखो ये जो है, ये वाला जो ये ना आड़ी है, यहाँ से आड़ी लगी हुई है लाइन जो है, यहाँ से ये अंदर तक, ये पूरा हमारा ही है, एंड तक हमारा, ये वाला भी एंड तक। और पेड़ तो बाकी मैंने देख लिया, मम्मी को जाके बताते हैं क्या हुआ, क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, है ना। अब निकलते हैं वापस घर को। और हाँ, जहाँ पर वो पेड़ कटा है ना, वो ज़मीन भी हमारी है। मतलब सिर्फ पेड़ नहीं है, काफ़ी यहाँ पर क्या होता है ना कि सिर्फ पेड़ भी होते हैं हर किसी के, कि यहाँ पेड़ लगा हुआ है, सिर्फ वो जो पेड़ का हिस्सा है या वो सिर्फ पेड़ जो है वो उनकी है। लेकिन हमारा जो है, जहाँ वो पेड़ लगा हुआ है ना, वो वाली भी पूरी ज़मीन हमारी है। तो बस घर निकलते हैं वापस से। अभी पहले पता है मैं यहाँ बहुत खेला करता था यार, मतलब जब छोटा था। वैसे गिन के मैं 4-5 बारी गांव आया हूँ आज तक। तो इस तरफ भी है ना एक वो है, जामुन का पेड़ है। तो जब जामुन का मौसम होता था तो हम लोग तोड़ तोड़ के खाते थे, ऊपर चढ़ चढ़ के, तोड़ तोड़ के, मज़ा आता था काफ़ी। अब तो खैर चढ़ नहीं पाऊँगा, है ना, वो होता ना एक डर, अब बड़े हो गए तो डर लगता है चढ़ने में। पहले छोटे थे तो जहाँ मर्जी चढ़ जाते थे, अब नहीं चढ़ पाऊँगा यार। और कीचड़ हर जगह, तो कीचड़ हो रहा है यार यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी की सड़क है ना, हर जगह कीचड़ हो रहा है इसी के लिए। और यहाँ पर है ना एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़, बहुत बड़ा। मेरे दादाजी जब छोटे थे ना, उस टाइम का आम का पेड़ था। तो एक बार बिजली गिरी, वही बारिश वगैरह हुई, तो वो टूट गया, है ना। बाकी ये घर भी बहुत पुराना है, जो मैंने बताया, जो मैं खरियाना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब खरियाना का मतलब इंग्लिश वर्जन क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया कि एक स्टोर रूम टाइप का है। अंदर से थोड़ा दिखाता हूँ, है ना, स्टोर रूम टाइप का है। यहाँ पर सारी है ना चीज़ें बस स्टोर करके रखते हैं ऐसे ही। तो ये देखो बस ऐसे ही है, कुछ स्टोर रूम टाइप का है, अंदर को खाली सामान और जो एक सेकेंड, जो होता है ना कि जरना वगैरह जो जलाने की चीज़ें होती है, ठीक है, तो वो संभाल के रखते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये देखो कटहल हो रखे हैं यहाँ पर, ये लेकिन हमारा नहीं है, ठीक है, लेकिन कटहल हो रखे छोटे छोटे अभी तो काफ़ी। बस निकलते हैं, घर पहुँचते हैं अब। फिर पूरा एक व्यू दिखा देता तुम्हें वैसे ना, ये देखो हर जगह खेती खेत खेती खेत खेती खेत, और ये आम के पेड़ है इधर, और एक, चलो एक आम का पेड़ तो लग गया। हाँ मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, मैं बोल रहा था कि एक जो आम का पेड़ था वो था मेरे दादाजी जब छोटे थे तब से था, तो बारिश आई बिजली कड़की तो पेड़ जो है गिर गया, लेकिन उसमें बहुत आम आते थे यार,
और बहुत बहुत बड़ा पेड़ था, तो उसकी लकड़ी भी यार काफी महंगी बिकी थी जब वो गिर गया था, तो है ना बहुत बड़ा पेड़ था। मान के चलो कि ये जो पेड़ है एक छोटा सा, इसका 10 गुना मोटा पेड़ था वो, सोचो 10 गुना मोटा पेड़। चलो अब मैं घर निकल लो, फिर वहाँ कुछ बात करते हैं, या फिर इस ब्लॉग को एंड ही कर देते हैं ऐसा सोचता हूँ मैं। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं फिर, क्योंकि यार बहुत बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, मुझे लग रहा है जितना कि आधे घंटे की, तो ये आधे घंटे का ये ब्लॉग हो जाएगा यार अगर मैं सारी क्लिप डाल दूंगा तो, और मैं सारी क्लिप डालने वाला हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो बस चलो इंट्रो आउट्रो एडिट करते हैं। तो खैर बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अगर तुम शहर से हो तो मज़ा आएगा तुम्हें देखने में ठीक है, क्योंकि शहर में ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है ना, और अगर तुम गाँव से हो तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना और उसे ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ठीक है ना। सब्सक्राइब तो कर लेते हो लेकिन नोटिफिकेशन फिर तुम्हें नहीं जाते, तुम वीडियो नहीं देखते, तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ही नहीं है, है ना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। तो मैं आ चुका हूँ यार अपने वापस घर, लेकिन ये देखो क्या हाल हुआ है मेरे जूतों का, ये जूते मेरे आगे से गीले हो गए और मिट्टी देखो कितनी गंदी लग गई है इसमें। और यार सीन क्या है ना कि इस जूतों को है ना गीला करना नहीं है, वरना ये खराब हो जाएंगे सारे जूते मेरे। अब मुझे नहीं पता ये कितने टाइम और टिकने वाले हैं।